भिलाई इस्पात संयंत्र के पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर 9 के पास स्थित हनुमान मंदिर पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, जहां भर्ती मरीजों के परिजन अपनी मुरादें लेकर इस हनुमान मंदिर में आते हैं और इनकी मनोकामना पूरी भी होती है। 100 वर्षों से इस पुराने मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ खास बातें आज भी प्रचलित है। आइए जानते हैं क्या है इस खास मंदिर में ग्रैंड न्यूज की इस खबर में। भगवान श्री राम के परम भक्त और भगवान रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी की पूरे देश भर में सबसे अधिक मंदिर है। इसी तरह अन्य देवी देवताओं की तुलना में सबसे अधिक पूजा उनकी ही होती है। बता दें कि हर शहर, कस्बों में, गांवों में भी भगवान शिव के बाद मंदिर हनुमान जी की होती है। छत्तीसगढ़ के गाँवों में बस्ती एवं तालाब किनारे शिवलिंग के अलावा हनुमान जी की मंदिर बहुतायत की संख्या में है। इनमें से ही एक भिलाई में स्थित हनुमान मंदिर है। भिलाई में, जिसे आज हम सेक्टर 9 और आमदी नगर हुड़को के नाम से जानते हैं, वह कभी आमदी गांव में हुआ करता था। भिलाई के सेक्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र में स्थित इस 100 साल पुराने प्राचीन मंदिर की ख्याति के पीछे की घटना के बारे में आज हमने जानने की कोशिश की, तब यहाँ के पुजारी ने हमें बड़ी ही रोचक जानकारी दी। ये भक्तों के द्वारा और हमारे जो मालगुजार जो दाऊ जी विष्णु प्रसाद चंद्राकर थे, वो मुआवजा पाने के बाद अपने वहाँ चले गए स्टेशन के सामने और अपने गांव से जुड़े हुए सब लोग आते जाते रहते हैं और भक्तों के द्वारा यहाँ हनुमान जी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और मंगल शनिवार को सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग हमारे भिलाई से, हमारे छत्तीसगढ़ से, हमारे हिंदुस्तान के जितने लोग भिलाई में रहते हैं सभी लोग और सभी धर्म के लोग हमारे मंदिर आते हैं और हनुमान जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और सुख। अब हम तो उन बता रहे हैं कि उनके कुल देवता हैं। अब कुल देवता उनका परिवार कब से रहा हो, आमदे गाँव कब से रहा हो, ये उनसे जा कर के पूछेंगे तो बताएंगे। भिलाई में स्थापित हनुमान जी को आमदी के दाऊ और माल गुजार स्वर्गीय माधव प्रसाद चंद्राकर के कुल देवता के रूप में जाना जाता है। दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर एक बड़े माल गुजार थे। भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर को अपने 6 गांव के लिए मुआवजा मिला, लेकिन आमदी गाँव के जिस स्थान में उनके कुल देवता हनुमान जी विराजमान है उसके लिए उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया। साल 1961 में बीएसपी ने अपने कर्मचारी के इलाज के लिए उस समय के प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्माण के लिए आमदी की भूमि अधिग्रहित की और निर्माण कार्य शुरू किया। जैसे ही निर्माण कार्य मंदिर के समीप पहुंचा, अस्पताल निर्माण के दौरान पीपल के वृक्ष के नीचे स्थित हनुमान की प्रतिमा एवं पेड़ को क्रेन से हटाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान पेड़ न हिला, न हनुमान की प्रतिमा टस से मस हुई, बल्कि हनुमान जी के प्रतिमा से एक पत्थर निकलकर क्रेन के चैन में जा टकराया, जिससे सैकड़ों टन क्षमता वाला चैन टूटकर गिर गया। इसके बाद किसी ने इस प्रतिमा व पीपल के पेड़ को हटाने की हिम्मत नहीं की। फिर संयंत्र प्रबंधन ने पीपल पेड़ के समीप ही भगवान ऑपरेशन थिएटर बना दिए और प्रतिमा के लिए चबूतरा का निर्माण करवाया। दाऊ माधव प्रसाद चंद्राकर की मृत्यु के बाद पुत्र विष्णु चंद्राकर ने माधव प्रसाद गजराबाई के नाम से ट्रस्ट बनाकर कुल देवता हनुमान जी के मंदिर का निर्माण शुरू कराया। दाऊ विष्णु चंद्राकर के मृत्यु के बाद पुत्र नारायण चंद्राकर इसकी देखरेख करते हैं। आज इस्पात नगरी का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर सेक्टर 9 है। यहाँ लोग मन्नत मांगने दूर दूर से आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजन भी इसी मंदिर में आकर अपने परिजनों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यहाँ तो देखो सब जगह के लोग आते हैं, जो एडमिट होता है वो बाहर का भी रहता है, भिलाई का भी रहता है, लेकिन यहाँ के दर्शन करके जरूर रहता है। जब यहाँ पे इसका इनका जब जन्म उत्सव रहता है हनुमान जी का, तो यहाँ पे लंगर लगता है, रात भर चलता है, दिन से रात के 12-1-2 बजे, और सबसे ज़्यादा महत्व इसी को रहता है। जब यात्रा निकलती है हनुमान जी की तो सब जगह की यात्रा मिलके ये यहीं पे आते हैं। आप कितने साल से आ रहे हैं? 42 साल। इस मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भी विराजमान हैं।
माता दुर्गा की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण करते समय पीपल पेड़ की सुरक्षा को ध्यान रखा गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। मंदिर के बीचों बीच स्थित पेड़ में भक्त अपनी मनोकामना के नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। हर शनिवार और मंगलवार यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्त मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ सुंदरकांड का पाठ कराते हैं। यहाँ 7 सेवक भगवान की पूजा अर्चना और सफाई कर साथ साथ मंदिर की देखरेख के लिए 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। हर वर्ष भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर स्नान, आरती और यज्ञ होते हैं। भिलाई में सेक्टर 9 के हनुमान मंदिर को सबसे विशाल महाप्रसाद वितरण के लिए भी जाना जाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।